तो चूड़ामणि उतार तब दियो। हर समेत पवन पवन सुतले, हनुमान जी चले गए। अब लौट करके आए हनुमान जी तो सारे वानर खुश हो गए। हनुमान जी खूब परिचय करा के आए हैं, वो बड़ा हनुमान जी के शौर्य का बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है। एक एक बंदर जो है कूदने लगा कि वाह हनुमान जी, आप अकेले जाके और लंका में इतना विध्वंस मचाई है, और जिस दिन हम सारे चलेंगे तो लंका की कोई खैरियत ही नहीं है। कूद रहे हैं सारे सारे बंदर, राम कृपा बल पाई कपिंदा, भयो पच्छ दुत मनो गिरंदा। राम ने मोटिवेट किया उनको। अब इनकी बड़ी ज़बरदस्त कहानी ये है कि रावण ने सारे देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था, जाके डर सुर असुर डरावें, और इंद्र का सारा सिंहासन छीन लिया था इनके बेटे ने, इंद्रजीत है उसका नाम। तो सारे के सारे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, तो उन्होंने कहा कि बुद्धि से सोचो। वो कहने लगे जी बताओ। कहने लगे ये तो तुम ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो, इस ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके पाप को नहीं मार सकते थे। ऊंची कुर्सियों पर बैठने वाले आदमी जो हैं वो पाप को नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते, इन्होंने पूछा। कहते ऊंच निवास नीच करतूती, देख सके न पराई विभूति। जो ऊंची कुर्सियों पर बैठते हैं वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए नीच से नीच काम कर सकते, सोच भी नहीं सकते कितना नीच काम करेगा वो। तो पाप तो पाप को तो खुद पालन करेंगे, दो चार गुंडे पालेंगे, 10-20 ऐसे पालेंगे लोग कि जो कोई मेरे खिलाफ़ बोले गोली मार दे सौरे को, बचा लूँगा तुझे मैं। तो ऐसे लोग पालेंगे। तो हनुमान उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि अगर आपने रावण को हराना है तो कुर्सियाँ त्याग दो, अगर पाप खत्म करना है समाज में से तो ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कुर्सियाँ जो हैं जिनको बचाने के लिए आप खुद पाप करते हो, तो ऊंच निवास नीच करतूती, इसको बचाने के लिए भी आप तो आप खुद नीच से नीच काम कर सकते हो। तो देख सके ना पराई, दूसरा आदमी आके मेरी कुर्सी ना हथिया ले, आज मैं चीफ मिनिस्टर हूँ दूसरा ना बन जाए, तो उसको गिराने के लिए हम नीच से नीच काम कर सकते हैं। तो कहने लगे बानर तन धर धर्म ही प्रभु पद सेव हो जाए, अगर रावण को मारना है तो ये अपनी ऊंची कुर्सियाँ छेड़ दो देवताओं की और बानर बन जाओ, छोटे बन जाओ, विनम्र बन जाओ, और जाकर के सेवा भाव, सेवा भाव से जनता को जगाओ, सेवा करो लोगों की, जनता जाग जाएगी, तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाएगी, तब रावण मारेगा। तो ये सारे बंदर जो थे ये देवता थे असल में, तो ये बानर जो थे ये आकर के बंदर बन गए थे कि उन्होंने कहा है कि अपनी कुर्सियाँ छोड़ दो। अब एक कहानी हमने लिख दी थी ऐसी, तो लोग उस पर बड़े मिनिस्टर जो थे बड़े नाराज़ हुए। हमने लिखा कि एक आदमी MP के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ और जहाँ वो भाषण देने के जाए वो जनता कोई 25 आदमी कोई 30 आदमी, उसने कहा मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ जनता भीड़ नहीं उठ जुड़ती, चक्कर क्या है। तो उसने लोगों से अपने सलाहकारों से पूछा, उन्होंने कहा ऐसा है जी बम्बई से कोई एक्टर बुला लो फिल्म एक्टर, और उस फिल्म एक्टर के नाम से इतनी भीड़ जुड़ जाएगी फिर अपनी बात वहाँ कहो, इलेक्शन जीतना है तो एक काम कर लो। उसने कहा बहुत अच्छी बात बताई। उनने फट से जी एक बढ़िया एक्टर को वहाँ से बम्बई से बुला लिया। अब उस एक्टर के नाम से भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, जब वो इकट्ठी शुरू हो रही तो संभालना मुश्किल हो गया। अब जगह जगह पोस्टर लगाओ, हैंडबिल बांटो, सब ये करो। तो 2 या 3 दिन बड़ी खूब धूमधाम रही, और तीसरे दिन आकर के उनकी लड़की कहने लगी कि पिताजी मैं आपके कंपेन में नहीं जाऊंगी इलेक्शन में। वो कहने लगी बेटी अब तो भीड़ लगी, क्योंकि मैं इस भीड़ भाड़ में नहीं जाऊंगी, अब आप 5-7 आदमी और रख लो, क्यों नहीं जाएगी बेटी। पिताजी मैं इसलिए नहीं जाऊंगी, आपको कहना नहीं चाहती कि इस भीड़ भाड़ के चक्कर में मेरी इज्जत पे हाथ पड़ गया है। तो बंदूक उठा के लाए अंदर से, तो जानती नहीं किसकी लड़की है, किसने तेरी इज्जत पे हाथ डाला है बता, गोली से मार दूंगा, कि मैं नहीं बताती आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। नुके नहीं तू बता, क्योंकि पिताजी ये जो एक्टर आपने बम्बई से बुलाया है ना, इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है।
तो वो जो थे उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने बंदूक वहीं जाकर रख दी और बेटी से कहने लगे जब तेरी इज्जत पर हाथ पड़ ही गया था तो 5-7 दिन और चुपचाप बैठी रहती, इलेक्शन तो हो लेने देती मेरा। तो एक मिनिस्टर थे यहाँ हरियाणा के, वो मेरे पास आए, कहने लगे आपने सबको ऐसे एक रस्सी से बांध दिया। मैंने कहा मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो क्या कि लोग कुर्सी हथियाने के लिए नीच से नीच काम कर सकते हैं। मैंने कहा ये रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। तुलसीदास जी ने कहा ऊंच निवास नीच करतूती, अपनी गद्दी बिछाने के लिए ऊंची गद्दियों पर बैठे हुए, ऊंच निवास पर बैठे हुए अपनी गद्दी को बचाने के लिए नीच से नीच करतूत कर सकते हैं। इसलिए हे देवताओं, अगर अपने रावण से बचना है, पाप से बचना है, तो पहला काम ये करो कि तुम इन गद्दियों को छोड़ दो और गद्दियों को छोड़ के सेवा का व्रत अपना लो, और जब सेवा का व्रत अपना लोगे तो रावण अपने आप मर जाएगा, पाप जय मर जाएगा। तो ये वानर जो थे इनको भगवान ने याद दिलाया कि तुम तो यहाँ जो आए हो तुम तो देवता हो, तुम्हारे अंदर तो देवताओं जैसा बल है, लेकिन यहाँ वानर बन के आए तो मोटिवेट, जैसे मैंने कहा कि मोटिवेटर हमारे यहाँ साइकोलॉजी में यही पढ़ाते हैं, टीचर इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर। जो छोटा आदमी है आज रोटी भी खाने को नहीं है और टीचर उसको मोटिवेट करे तो कल वो IAS ऑफिसर बन सकता है और बड़ी जगह पे जा सकता है। तो मोटिवेट किया राम ने सबको, और उन्होंने बंदरों को इसलिए तैयार कर दिया कि हम मानो ग्रसन चहत हैं लंका। बंदर ऐसे कूदने लगे जैसे लंका कोई खा जाएंगे रावण तो रावण। तो सेवा के भाव से पाप मरेगा, कुर्सियों पर बैठ के आप पाप नहीं मार सकते, चाहे कितने ही कानून बना लो उस कानून को आप ही तोड़ोगे। छोटे कानून को भी कभी हेलमेट निकाल के बाजार में चलो, इसको पुलिस वाले तोड़ते हैं, पुलिस वाले एक एक मोटरसाइकिल पर 3-3 बैठ जाते हैं और हेलमेट भी नहीं होती। तो राज सत्ता ही तो कानून तोड़ती है जिनको बनाती है। तो तुम जो जब राज सत्ता में बैठोगे तो तुम्हें चिंता नहीं होगी, जनता टोक नहीं सकती और जो टोकेगी उसे मार देंगे गोली सुसरे को। तो इसलिए गद्दियाँ छोड़ दो, सेवा का भाव अपना लो, पाप नष्ट हो जाएगा अपने आप।